26 साल के हमलावर ने 19 लोगों की चाकू गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी। हमले में 28 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। जापान की मीडिया के रिपोर्ट के अनुसार हमलावर पहले उसी सेंटर में काम किया करता था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमलावर बिल्डिंग की खिड़की से अंदर घुसा और चिल्ला रहा था, सभी अक्षम्य लोगों को गायब हो जाना चाहिए। नरसंहार के 2 घंटे बाद हमलावर अपनी कार से पुलिस स्टेशन पहुंचा और पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। पुलिस के सामने सरेंडर करने के बावजूद अभी भी हमलावर ने हत्या करने की वजह नहीं बताई है। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है। पहलवान नरसिंह यादव के डोप टेस्ट में फेल होने और उस पर उपजे विवाद के बीच अब गोली फेंक खिलाड़ी इंद्रजीत सिंह को भी डोप टेस्ट में फेल बताया जा रहा है। हालांकि इस बाबत अभी कोई पुष्टि नहीं की गई है। सूत्रों के मुताबिक कई खिलाड़ियों के सैंपल डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि अभी ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि ये सभी खिलाड़ी रियो ओलंपिक की रेस में हैं। इन सैंपल्स में इंद्रजीत सिंह का नमूना भी शामिल था। हालांकि अभी कोई भी आधिकारिक उनके नाम की पुष्टि नहीं कर रहा है। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का कहना है कि प्राइवेसी प्रोटोकॉल से बंधे होने के कारण जब तक प्रक्रिया एक विशेष स्तर तक नहीं पहुंचती, किसी भी खिलाड़ी की निजता का सम्मान किया जाना चाहिए। देश की दोनों बड़ी राजकीय पार्टियों ने इस मामले में कानून के तहत जांच करने के हाईकोर्ट के आदेश पर तत्काल अंतरिम रोक लगाने की मांग की है। दिल्ली हाईकोर्ट ने गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कांग्रेस और बीजेपी को मिले विदेशी चंदे पर सरकार और चुनाव आयोग को कानून के मुताबिक 6 महीने के भीतर कार्रवाई करने का आदेश दिया था। ये मामला इंग्लैंड की कंपनी वेदांता की सहयोगी स्टरलाइट एंड सीसा कंपनी से चंदा लेने का था। इस कंपनी ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों को चंदा दिया है। अमित सिब्बल ने निचली अदालत में केजरीवाल, मनीष ताजिया और प्रशांत पर आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया था। इस पर मुख्यमंत्री केजरीवाल हाईकोर्ट चले गए थे। केजरीवाल ने हाईकोर्ट से चारों को बरी करने की दरख्वास्त दाखिल की थी। आप नेताओं को राहत देते हुए हाईकोर्ट ने उन पर से मामला खत्म कर दिया था, लेकिन अमित सिब्बल ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए केजरीवाल और उनकी 3 साथियों को नोटिस जारी कर दिया था। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा था कि सभी बीमार या लोगों के लिए खतरा बने आवारा कुत्तों को मारने या हटाने के लिए कदम उठाए जाएं और ये कदम केंद्रीय नियमों के तहत उठाए जाएं। हालांकि कोर्ट ने इससे जुड़े हाईकोर्ट के फैसलों पर रोक लगाने से मना कर दिया था। केरल और बॉम्बे हाईकोर्ट ने अलग अलग फैसलों में इस तरह के कुत्तों को मारने के फैसले को सही ठहराया था। इनमें कहा गया था कि लोगों की जिंदगी आवारा कुत्तों से ज्यादा जरूरी है। कई पशु अधिकार संस्थाओं ने इन फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रखी है। खासतौर पर ये संस्थाएं केरल में आवारा कुत्तों को मारने के लिए चलाई जा रही मुहिम पर रोक की मांग कर रही है। राज्य द्वारा सीमा पर सामान पर लगने वाले एंट्री टैक्स मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दरअसल कई राज्यों में ये टैक्स लगाया गया है और कई व्यापारियों ने इस टैक्स को गैर कानूनी बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि राज्यों ने जो एंटी टैक्स लगाया है वह संविधान के लिए मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। शनिवार को मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई ने राजेंद्र कुमार की जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए। सीबीआई ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि आरोप बेहद गंभीर है, अगर इनको जमानत दी जाती है तो वे सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जिन गवाहों के बयान अभी दर्ज होने वाले हैं उनको ये प्रभावित और धमका सकते हैं, ऐसे में इनको जमानत नहीं दी जानी चाहिए। भारतीय मजदूर संघ के महासचिव राजेंद्र सोनी ने इस हड़ताल का ऐलान करते हुए दिल्ली वालों से माफी मांगी और कहा कि दिल्ली वालों की मुश्किलों के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार है। दरअसल टैक्सी यूनियन पिछले कुछ महीनों से लगातार ऐप बेस्ड ओला और उबर जैसी कैब सर्विसेज को बंद करने की मांग कर रही थी। ऑटो टैक्सी चालकों के मुताबिक ओला और उबर की वजह से ऑटो टैक्सी चालकों की रोजी रोटी प्रभावित हो रही है। 6500 से ज्यादा फुल बॉडी प्रोटेक्टर खरीदने की तैयारी पूरी कर ली गई है। पुलिस के मुताबिक पत्थरबाजों से निपटने के लिए जो पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है वो काफी सोच समझ कर किया जाता है
और इसके इस्तेमाल से पहले दूसरे विकल्प को देखा जाता है, लेकिन जब मौजूद विकल्प से बात नहीं बनती है तो पैलेट गन का इस्तेमाल किया जाता है। कश्मीर घाटी में हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद घाटी में हिंसा भड़क उठी थी। जगह जगह हिंसक प्रदर्शन हुए और सुरक्षा कर्मियों पर पत्थरबाजी की गई। द्वारका कोर्ट बार एसोसिएशन के तमाम वकीलों ने 26 जुलाई को जिले के सभी कोर्ट में हड़ताल का ऐलान किया है। वहीं पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के बार काउंसिल की ओर से भी पंजाब के वकीलों से मंगलवार को कोर्ट न आने की अपील की गई है। द्वारका कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने दिल्ली पुलिस को चिट्ठी लिखते हुए कहा है, महरौली से आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश यादव एसोसिएशन के सदस्य हैं, जिन्हें फर्जी मामले में पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चिट्ठी में आगे लिखा गया है कि विधायक से तीन बार पूछताछ करने के बाद भी पंजाब पुलिस ने गिरफ्तारी से पहले दहशत का माहौल बनाया। यहां तक कि विधानसभा के मानसून सत्र में भी वो कई मसलों पर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। सोमवार को भी विधानसभा में बाबूलाल गौड़ ने राज्य सरकार के कामकाज को लेकर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि सरकार की आर्थिक हालत खराब है, लेकिन वो फिजूल खर्ची में लगी है। शिवराज सरकार को बजट पर घेरते हुए बाबूलाल गौड़ ने कहा कि सरकार कर्ज लेकर घी पी रही है। गौड़ ने सरकार की फिजूल खर्ची पर भी अलग टिप्पणी की और कहा कि सरकार 16 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीद रही है, जो जरूरी है। उन्होंने अनुपूरक बजट के प्रावधानों को लेकर भी सवाल उठाए। बीजेपी के यूपी के पूर्व उपाध्यक्ष जयशंकर के खिलाफ लखनऊ की CJM कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने कुर्की करने के आदेश भी दिए हैं। गौरतलब है कि जयशंकर ने BSP सुप्रीमो मायावती के खिलाफ अपशब्द इस्तेमाल किए थे, जिसके बाद बसपाइयों ने जयशंकर की पत्नी और बेटी को पेश करने के नारे लगाए थे। बीजेपी ने पार्टी में स्वाति सिंह की भूमिका तय कर ली है और अगले हफ्ते इसका औपचारिक ऐलान भी कर सकती है। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने इस बारे में साफ संकेत भी दे दिए थे। उन्होंने खुलकर कहा है कि स्वाति सिंह को जरूरत पड़ने पर चुनाव भी लड़ाया जाएगा और पार्टी का चेहरा भी बनाया जाएगा। केशव ने अपने गृह नगर इलाहाबाद में मीडिया से बात करते हुए स्वाति सिंह को तेजस्वी महिला करार दिया और उनके संघर्षों की जमकर तारीफ की। 78 साल की शीला को यूपी में कांग्रेस ने CM उम्मीदवार घोषित किया है। इस माहौल में उनके बेटे और कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने खुश होने के बजाय राहुल गांधी अजय माकन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व मुझे पसंद नहीं करता, क्योंकि मैं बागी स्वभाव का हूँ। संदीप दीक्षित ने संकेत दिया है कि वो विकल्प की तलाश में है। विकल्प के बारे में संदीप दीक्षित ने लिखा, अब विकल्प बचता है तो BJP या आप में ऐसे व्यक्तियों का नेतृत्व है जिसने शीला दीक्षित पर गलत आरोपों से हमले किए। अब मैं ऐसे मवेशी की तरह घास की तलाश करूंगा जहां मुझे सम्मान मिले, मेरा आत्म सम्मान बरकरार रहे। ये बीमा कवर दुर्घटनाओं की स्थिति में रेल टिकट धारकों को रेलवे द्वारा दिए जाने वाले मुआवजे के अलावा है। ये बीमा दुर्घटनाओं के चलते मृत्यु, चोट और अपंगता के लिए है। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल ये बीमा पेशकश एकीकरण की प्रक्रिया के अधीन है और सितंबर से इसके परिचालन में आने की उम्मीदें हैं। ट्रेन दुर्घटनाओं के चलते अस्पताल में भर्ती होने के मामले में बीमा कंपनी द्वारा मुआवजा भी उपलब्ध कराया जाएगा। इस ठेके के लिए कुल 19 बीमा कंपनियों को छांटा गया था, इनमें से 3 का चयन बोली प्रक्रिया के जरिए किया गया। ढाका हमले के बाद विवादों में आए जाकिर ने कहा कि PM नरेंद्र मोदी की पहल से हिंदू और मुसलमान करीब आए हैं और उनकी ये पहल सराहनीय है। जाकिर के मुताबिक मोदी एकमात्र ऐसे PM हैं जिन्होंने इतने कम समय में तमाम मुस्लिम देशों का दौरा किया। जाकिर ने दावा किया कि मैंने कभी आतंकवाद का समर्थन नहीं किया और ना कभी करूंगा। जाकिर ने मीडिया को चुनौती देते हुए कहा कि वो एक भी उदाहरण दिखाए जहां उसने आतंकवाद का समर्थन किया है। द्रास में सुबह 8:30 और 9:00 इंडिया गेट पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। आज पूरा देश करगिल के शहीदों को सलाम कर रहा है। 1999 में पाकिस्तान के पीठ में खंजर खोकते हुए भारत की सीमा पर हमला किया था। भारत के वीर जवानों ने अपनी शहादत देकर न सिर्फ मुल्क की रक्षा की, बल्कि पाकिस्तानियों के मंसूबे को नेस्तनाबूद कर दिया। करगिल की लड़ाई में देश ने अपने 527 जवानों को खो दिया। आज भी शहीद जवानों के परिवार वाले अपने सपूत को याद करके खुद पर गर्व महसूस करते हैं। देश भी उन शूरवीरों को सलाम करता है।
पाकिस्तान ने भारत के इस कदम को अनौपचारिक, अंदरूनी और प्रशासनिक इंतजाम बताया। पाकिस्तान के विदेश विभाग ने ये भी बताया कि उसे 2 महीने पहले फैसले के बारे में सूचना दी गई थी और उसे किसी अन्य बात से वाकिफ नहीं कराया गया। भारत पाक संबंधों में बढ़ते तनाव के बीच भारत ने यहां अपने उच्चायोग में अपने राजनयिकों और अधिकारियों से अपने बच्चों की शिक्षा का इंतजाम कर इस एकेडमी सेशन से पाकिस्तान से बाहर करने को कहा है, जिसे ये वास्तव में स्कूली शिक्षा प्रदान नहीं करने वाले केंद्र के रूप में प्रदर्शित होता है। डेमोक्रेटिक पार्टी में हिलेरी के खिलाफ बगावत हो रही है। राष्ट्रपति उम्मीदवार की रेस डेमोक्रेट नेता बर्नी सैंडर्स के हजारों समर्थकों ने खुलकर हल्ला मचाया। आरोप लगाया कि डेमोक्रेटिक पार्टी ने वोटरों की ना सुनकर राजनीतिक चाल खेलकर हिलेरी को पार्टी का उम्मीदवार बनाया, लेकिन बड़ी भीड़ इसलिए भी सड़क पर आई क्योंकि उन्हें हिलेरी और ट्रंप दोनों ही पसंद नहीं आ रहे हैं। फिलाडेल्फिया पुलिस को इतनी बड़ी की आशंका नहीं थी जितने लोग ट्रंप की उम्मीदवारी के लिए नेशनल कन्वेंशन में जमा हुए थे। उससे ज्यादा लोग तपती गर्मी में भी हिलेरी के खिलाफ आ गए। अगर भारत 4-0 से जीत दर्ज करता है, इंग्लैंड और पाकिस्तान की सीरीज ड्रॉ रहती है और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ श्रीलंका 1-0 या इससे बेहतर अंतर से जीत दर्ज करता है तो भारत नंबर 1 टीम बन जाएगा। आईसीसी ने आज बयान में ये जानकारी दी। भारत ने एंटीगा में पहले टेस्ट में वेस्टइंडीज को पारी और 92 रन के अंतर से हराया था। कुश्ती संघ के पीएम मोदी को नरसिंह की शिकायत सौंपी है। कुश्ती संघ ने नरसिंह यादव के खिलाफ साजिश की बात कही है। संघ ने कहा कि सोनीपत कैंप में नरसिंह के खिलाफ साजिश रची गई थी। संघ से स्पोर्ट्स अथॉरिटी पर भी साजिश का आरोप लगाते हुए कहा, नरसिंह के मामले में स्पोर्ट्स अथॉरिटी के कुछ लोग शामिल हो सकते हैं। संघ को कैंप में मौजूद एक महिला इंचार्ज पर भी शक है। अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर नरसिंह यादव आज सीबीआई जांच की मांग की है, जिसके कारण उनकी ओलंपिक में भागीदारी पर संदेह के बादल छा गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उनका रियो का सपना तोड़ने के लिए ये साजिश रची गई है। पिछले 24 घंटों में 4 लोगों की मौत हुई है और अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी और कुछ बिहार के जिलों में बाढ़ की वजह से 150 गांवों में करीब 58,000 लोग प्रभावित हुए हैं। आपदा विभाग के मुताबिक ये मौतें डूबने या दीवार ढहने या बाढ़ के पानी में सांप के काटने से हुई है। अधिकारियों ने बताया कि जलपाईगुड़ी जिले में प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी किया है। बुरी तरह से प्रभावित इलाकों में कालचीनी, छिटमहल और कुमार ग्राम, फुलबाड़ी और डाब ग्राम शामिल है।